नियरली 10 दिन पहले एक न्यूज आई थी संदेश में, वो न्यूज मैंने कवर की थी, उसमें क्लियर बताया था इस साल स्टूडेंट का मास प्रमोशन हुआ है तो एडमिशन जो है बहुत सारे स्टूडेंट को चाहिए, तो बहुत सारे स्टूडेंट को कॉलेज कॉलेज भटकना पड़ेगा। देखो बहुत सारे स्टूडेंट है थर्ड राउंड का इंतजार कर रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है जैसे रीशफलिंग राउंड में कॉलेज सिर्फ चेंज किया था उसी तरह ही थर्ड राउंड होगा। देखो मैं आपको बता दूं, थर्ड राउंड ऐसे नहीं होने वाला है। थर्ड राउंड में क्लियरली बताया गया है इंटर से मैरिट। इंटर से मैरिट मींस कैसे होगा, ऑफलाइन होगा। देखो सबसे पहले मैं ये बता दूं, गुजरात यूनिवर्सिटी से कोई भी अपडेट नहीं आया है, मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, ये ध्यान रखना। गुजरात यूनिवर्सिटी से कोई भी अपडेट नहीं आया है, ओके। देखो इसमें क्या होगा, थर्ड राउंड में अभी ऑफलाइन होगा। क्या होगा, आपको एक फॉर्म दिया जाएगा गुजरात यूनिवर्सिटी के द्वारा या अलग अलग कॉलेज में आपको फॉर्म मिलेगा, वो फॉर्म आपको भरना पड़ेगा और उस फॉर्म के साथ जो भी डॉक्यूमेंट है जैसे कि 12th की रिजल्ट, लिविंग सर्टिफिकेट, जो भी डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट आपको अटैच करने हैं, वो भी जेरोक्स, ओरिजिनल नहीं, जेरोक्स करानी पड़ेगी। और वो जो फॉर्म है और जो डॉक्यूमेंट है वो कॉलेज में आपको सबमिट करना है। एक कॉलेज में नहीं, आप जितने भी कॉलेज में जा सकते हो, 8 कॉलेज 10 कॉलेज, पर 10 के 10 कॉलेज में वहां पे जाके आपको सबमिट करके आना पड़ेगा, बराबर। और उसमें भी क्या है, गुजरात यूनिवर्सिटी आपको बताएगी किस कॉलेज में कितनी सीटें अभी वैकंट है, खाली है, आप वहीं पे जा सकते हो, ठीक है ना, जहां पे सीटें खाली है। तो फॉर्म भर के डॉक्यूमेंट अटैच करके आपको कॉलेज कॉलेज जाना पड़ेगा, वहां पे सबमिट करना पड़ेगा और 1-2 दिन के बाद मेरिट लिस्ट आएगी, उस कॉलेज में जाना पड़ेगा, आपको मेरिट लिस्ट देखनी पड़ेगी और मेरिट लिस्ट में आप देखोगे अगर जो आपका नंबर आ गया और आपको वहां पे एडमिशन चाहिए तो आप ले सकते हो, बराबर ना। वहां पे कॉलेज की फीस भरनी पड़ेगी और आपकी एडमिशन कंफर्म हो जाएगी, मतलब थर्ड राउंड जो है इस तरह होने वाला है, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, गुजरात यूनिवर्सिटी से कोई भी अपडेट नहीं है, मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। और इसमें कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, जिनको दोनों राउंड में मतलब रीशफलिंग राउंड में कोई भी कॉलेज नहीं लगा है, ना फर्स्ट राउंड में लगा ना रीशफलिंग राउंड में, उनको तो ऐसे ही करना है। और दूसरा, जिनको रीशफलिंग राउंड में जो कॉलेज लगा है, अगर जो आप वो मीन्स आपको सिलेक्ट नहीं करा, उसमें आप एडमिशन नहीं लेना चाहते हो, तो आपको थर्ड राउंड में ऐसे जाना पड़ेगा, ठीक है। जो भी अपडेट होगा गुजरात यूनिवर्सिटी से, जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। आप मेरे चैनल से जुड़े रहना, इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।